हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर हम आपके साथ आ चुके हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं, NM 8853 के लिए खुशखबरी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आपके जो मन में डाउट हैं सारे डाउट को क्लियर करेंगे, इसलिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है। होम जिला मिलेगा या नहीं, क्योंकि अब रिजल्ट आने वाले हैं। अब जब रिजल्ट आएंगे तो होम जिला मिलेगा कि नहीं, अगर होम जिला नहीं मिलते हैं तो NM वाले जो भी हैं वो ट्रांसफ़र कैसे करवाएंगे अपना होम जिला में, ये भी बड़ी क्वेश्चंस होगा। और साथ ही फ्रेंड्स, इसके लिए एक ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है कि NM वाले ट्रांसफ़र कैसे करेंगे अपने होम जिला में, क्या प्रक्रिया होता है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो बिल्कुल रूप से इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, बहुत प्यार देते हैं, इसके लिए आपको दिल से थैंक यू, लेकिन आपने वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें तो सपोर्ट मिलेगा ही, साथ ही आपके लिए मैं नया वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सकेगा। दोस्तों, चलिए हम आपको लेकर चलते हैं आज की जो नई ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है NM ट्रांसफ़र से रिलेटेड, और NM के जो कैंडिडेट ट्रांसफ़र होना चाहते हो उसके लिए, तो वहां से आपको पूरी जानकारी क्लियर होगा। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिस पर। आपको बता दूं कि ये नोटिस 9 जून 2022 के डेट में ही जारी किया गया था, लेकिन आज के डेट में ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। तो आज के डेट में अपलोड किया, हमने इसके बारे में थोड़ा जानकारी पहले दिए थे आज ही के डेट में, लेकिन उसमें हमने पूरा क्लियर जानकारी नहीं किया था, क्योंकि जल्दी जल्दी में थे और ड्यूटी पीरियड में रहते हैं तो ज़्यादा टाइम देकर के आपको नहीं बता पाते हैं। लेकिन जब मैं रूम पर आता हूँ तो पूरी अच्छी तरह से जानकारी आपको क्लियर करा देते हैं। तो चलिए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं आज की ये नोटिस क्या कहते हैं, और आपके थंबनेल के अनुसार ट्रांसफ़र से रिलेटेड पूरी जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि NM के जो भी कैंडिडेट ज्वाइन किए हो, NM 865 के अंतर्गत, यानी कि 865 सीटों के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया था, 3/2020 विज्ञापन संख्या, इसके अंतर्गत उससे रिलेटेड ये नोटिस है। और इसी के आसपास, इसी के नोटिस को देखने के बाद 8853 का जो ट्रांसफ़र का रूल होगा वो आपको सेम रहेगा, और आपको यहाँ से क्लियर जानकारी लेना होगा। तो सबसे पहले आपको हम दिखा दूँ कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के विज्ञापन संख्या 3/2020 के तहत शहरी क्षेत्रों के टीकाकरण के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य के शहरी क्षेत्रों के बाह्य सत्रों एवं मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर पर कार्य करने हेतु चयनित संविदागत NM का स्वास्थ्य विभाग आदेश संख्या 31/3/2022 के द्वारा कुल 865 नवनियुक्त संविदागत NM कर्मियों की पदस्थापना की गई है। यानी कि आपने देखा ही होगा कि 3/2020 विज्ञापन के अंतर्गत 865 नवनियुक्त NM को सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर यहां पर पदस्थापित कर दिए गए हैं। अब इनमें से क्या हुआ, हम आपको जानकारी दे देते हैं कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं, जैसे कि उक्त पदस्थापन के उपरांत कुल 21 NM कर्मियों के द्वारा स्थानांतरण हेतु आवेदन समर्पित किया गया। इनमें से कुल 13 आवेदक यथा पूजा कुमारी, यानी कि इन 13 आवेदकों का नाम यहाँ पर दिया गया है, का आवेदन आवेदित जिला में रिक्त नहीं रहने के कारण अस्वीकृत किया गया। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर हम बता दूं कि 865 कैंडिडेट का तो मेरिट लिस्ट तैयार किया गया और इन 865 को ज्वाइनिंग हो चुका है, लेकिन इन 865 में से 21 NM ऐसे थे, NM के कैंडिडेट ऐसे थे जो अपने होम जिला के लिए यहाँ पर अपना आवेदन दिया था ट्रांसफ़र करने के लिए। अब ये 21 कैंडिडेट दिया था, लेकिन इस 21 कैंडिडेट में से 13 कैंडिडेटों को सीट खाली नहीं रहने के कारण, जिला में रिक्त नहीं रहने के कारण, यानी कि जो जिला वहां पर मांगा गया था, इसने अपना चॉइस किया था, उस जिला में सीट नहीं रहने के कारण इन लोगों को यहां पर कैंसिल कर दिया गया है। सिर्फ 8 कैंडिडेटों को ही वहां पर अपना जिला आवंटन हुआ। अब ये 8 कैंडिडेट यहां पर इस तरह से हैं, आप लोग नाम यहाँ पर मैच कर लीजिए। आवेदन का नाम, एक नंबर में अर्चना कुमारी, दो में रोमा कुमारी। ये कैंडिडेट देख लीजिए, गृह जिला समस्तीपुर के हैं, इसका ज्वाइनिंग सीतामढ़ी में हुआ था, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफ़र करा के समस्तीपुर चला गया, यानी कि होम डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर से समस्तीपुर चला गया। रोमा कुमारी भागलपुर के हैं, सीतामढ़ी में पहले था, अब भागलपुर चले गए हैं। नालंदा के हैं, यहाँ पर निकिता कुमारी पटना में पहले था, नालंदा चले गए हैं। ममता कुमारी भोजपुर में था, और भोजपुर में वहाँ पर हुआ अभी था, लेकिन इसका मन था कि गया में जाऊँ तो गया चला गया। यानी कि ये जिस अनुसार से अपना जिला का स्थानांतरण के लिए मांग किया था, उस तरह से ये सारे कैंडिडेट में से 8 कैंडिडेटों को सीट खाली रहने पर इनका आवंटन मिल गया। अब ये 8 कैंडिडेटों को यहाँ पर आदेश दिया गया है कि 3 दिन के अंदर, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, 3 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से नव पदस्थापित जिलों के जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी के कार्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।
यानी कि आपको 3 दिन के अंतर्गत 18/6/2022 के अपराह्न से स्वतः विरमित समझे जाएंगे, यानी कि आपको यहाँ तक आपको रहना होगा। अब इस तरह से कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे उसका जो जून महीने का वेतन होगा वो 2022 जून महीने का जिस जिला में स्थानांतरण किया गया है उसी जिला में मिलेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि अभी अच्छा से 3 महीना हुआ भी नहीं ज्वाइन किया हुआ, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफ़र का एप्लीकेशन लगा करके ये कैंडिडेट जो है 21 मांग किया था, लेकिन 8 कैंडिडेटों के यहाँ पर स्थानांतरण हो चुका। यानी कहने का मतलब ये है मेरा दोस्त कि आप लोग अगर 8,853 कैंडिडेट हो, 8,853 का यहाँ पर जॉब लगने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, इन सारे कैंडिडेटों का कहीं न कहीं किसी न किसी जिला में यहाँ पर पदस्थापित किए जाएंगे। शुरू में आपको पदस्थापित किए जाएंगे, आप क्या करेंगे कि आसानी से वहाँ पर कुछ बिना सोचे समझे आपको जो जिला आवंटन किए जाएंगे उस जिला में अपना ज्वाइनिंग कर लेना है। अब ज्वाइनिंग करने के बाद आपको करना क्या है कि ट्रांसफ़र करना है। अब ट्रांसफ़र के लिए क्या करेंगे कि कम से कम आप लोग 2 से 3 महीना वहाँ पर अपना जॉब कर लेंगे, ठीक है, 2 से 3 महीना जॉब कर लेंगे। जॉब करने के बाद आप अपना कोई भी अच्छा कॉज लगा करके, कोई कारण दे करके ऐसा ठोस कारण लिखिएगा जिससे कि वहाँ पर लगे कि इस कैंडिडेटों को ट्रांसफ़र करना ज़्यादा ज़रूरत है। ये 21 ANM कैंडिडेट है, ये उसी आधार पर ट्रांसफ़र के लिए अपना एप्लीकेशन दिए होंगे। बता दूं दोस्तों कि एप्लीकेशन देने से पहले आपको एक दो चीज़ और ध्यान रखना है ट्रांसफ़र के लिए। जैसे कि आपको मान लेते हैं कि आप दरभंगा ज़िले के हैं, ठीक है, आपने दरभंगा ज़िले के जॉब कर रहे हैं दरभंगा ज़िले में और आपको पटना आना है, तो यहाँ पर पता कर लीजिएगा कि पटना में जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या फिर आपको जो भी स्वास्थ्य केंद्र हो सरकारी जहाँ पर आपको आना होगा वहाँ पर पता लगा लीजिएगा कि ANM का सीट खाली है या नहीं। अगर सीट खाली रहते हैं तो दरभंगा से आप अगर पटना आते हैं तो आपको आसानी से ट्रांसफ़र मिल जाएगा। अगर सीट खाली नहीं रहते हैं, मान लो कि आप दरभंगा में हो और पटना आना है, अगर यहाँ पर सीट खाली नहीं है तो आप एप्लीकेशन देंगे भी तो आपका एप्लीकेशन बर्बाद हो जाएगा, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और आपका यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो आपने ट्रांसफ़र का रूल यहाँ पर समझ गया। तो जो भी कैंडिडेट ट्रांसफ़र लेना चाहते हो आप अपने सिविल सर्जन से संपर्क करके वहाँ पर अपना एप्लीकेशन दे करके आप अपने ठोस कारण के साथ दे करके, जैसे कि मेन कारण ये भी रहता है कि प्रेग्नेंट हो जाते हैं बहुत सारे रहते हैं महिलाएँ और उसको दिक्कतें होते हैं जाने आने में या फिर कोई लीव होना होता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, कॉज होते हैं, जो कॉज लगा करके अपना रिक्वेस्ट कर करके वहाँ से आप अपना ट्रांसफ़र ले सकते हो। तो ANM 8,853 वाले जो भी कैंडिडेट है बार बार पूछते रहते हैं कि कैसे होगा, तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट आने दीजिए, ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, 2 से 3 महीने आप लोग को जॉब करना है। अगर आपको वहाँ पर पसंद नहीं होगा तो पता कर लीजिएगा या अपने दोस्तों को संपर्क करके, जैसे कि म्यूचुअल होता है, जैसे कि अगर आप लोग दरभंगा में हैं आपका कोई दोस्त पटना में है तो पटना वाला दरभंगा और दरभंगा वाला पटना आना चाहते हो तो इस तरह से भी यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो बिल्कुल रूप से हम कहेंगे कि किसी को घबराना नहीं है, मिला जुला करके अगर बात किया जाए तो सारे बिहार राज्य के जो भी स्टूडेंट होंगे एक दूसरे के संपर्क करके म्यूचुअल जिसे कहता है हम आपकी जगह पर और आप मेरे जगह पर इस तरह से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अगर नहीं होंगे तो दिक्कतें हो सकता है क्योंकि 11,000-12,000 सैलरी यार देगा, तो 11,000-12,000 सैलरी में आप कितना दिन रह पाओगे? अगर आपको होम जिला नहीं मिलता है या फिर आप दरभंगा के रहने वाले हो, सारण दे देता है, रोहतास दे देता है, मोतिहारी दे देता है, यानी कि दूर दूर दे देने पर आपको दिक्कतें हो सकती है। तो ट्रांसफ़र का यही रूल है, ट्रांसफ़र इस तरह से हो सकते हो। और जिन कैंडिडेटों ने यहाँ पर ट्रांसफ़र लिया 3 दिन का टाइम दिया गया है, आप लोग 3 दिन के अंदर यहाँ पर ज्वाइनिंग कर लीजिए। रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी हम आपको पिछले वीडियो के माध्यम से दिए थे, आप लोग का रिजल्ट जून के लास्ट तक वेट करना पड़ेगा, ये संभावित डेट है। इसके बाद अगर रिजल्ट नहीं आते हैं तो कुछ न कुछ उपाय किया जाएगा, रिजल्ट जरूर आएगा, इतना विश्वास रखिए, क्योंकि बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत अभी जो भी कार्य होते हैं तो ANM से रिलेटेड ही ज़्यादा हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्य भी लगभग अंतिम चरणों में है, अब आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनकर तैयार होने ही वाला है, इसके बाद पब्लिश किए जाएंगे। तो जून के लास्ट तक वेट करिए, 15-20 दिन और बचा हुआ है, इसके बाद आप लोग को रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ये एक संभावित है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। दोस्तों इसी तरह से ANM JNM से रिलेटेड कोई भी नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, हम आपके लिए नई नई वीडियो बनाते रहूँगा, तब तक के लिए थैंक यू।